सैलजान खातून, अब आप मेरे भाइयों के बारे में मुझे बताएं। मेरे बड़े भाई गुलदारो, मेरे भाई सारम और दुलजान के बारे में इतना याद करता हूँ। चलो मेरी बेटी, हमें सब बताओ, उनके बच्चे, उनके बेटे और तुम्हारे बेटे अल्तगन के बारे में और अपने कबीले के बारे में। तमाम पोते सुलेमान की तरह शेर जवान बन गए होंगे। आह, मैं उनके लिए कैसे तड़पती हूँ। आह गुलदारो, अम्मी जान, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी। अम्मी जान, शहनाज, क्या बात है बेटी, क्या हुआ हुआ है, चलो हमें बताओ। गुलदारो साहब, सारम साहब ने मुझे ये कह के इसरार किया था। अपने बेटे उस्मान को लो और हमारे भाई अर्तुल के पास जाओ, हिफाजत करेगा और इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता निकालेगा। मेरे भाई किससे आप आपकी और आपके बेटे की हिफाजत चाहते हैं। बात सिर्फ हमारी नहीं है हुजूर, हमारे कबीले की भी है। बेटी सहनाज, खुद को संभालो। चलो हमें बताओ, उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। तुम्हारे कबीले को क्या हुआ, चलो हमसे बात करो मेरी बेटी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़ुबान काट दूँ ताकि मुझे आपको ये ना बताना पड़े। जब हम आपके कबीले में आए तो आप शदीद मुश्किलात में थे। खुद से कहा कि मैं आपके जख्मों पर मज़ीद नमक नहीं छिड़कूँगी क्योंकि मुझ में मज़ीद अब ताकत नहीं रही। सहनाज खातून, मेरी तरफ़ देखें और मुझे बताएं कि आपके कबीले को क्या हुआ है। मंगोल, वो हमारे कबीले को हरासा करते रहते हैं, इसलिए हमारे मर्दों को पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी और उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। लेकिन मंगोल अब सलजोगी कातिलों को साथ मिलकर उन्हें कत्ल करने के लिए उनके पीछे हैं। या अल्लाह, मुझे बासऊर रख। इसका क्या मतलब है सहनाज, वो तुमसे क्या चाहते हैं बेटी। हुजूर, उन्होंने ये आपको भेजा है। हुजूर, उन्होंने कहा अर्थगुल भाई इसको समझ जाएंगे। अमीर हजरत बेबोला साहब आए हैं, उन्हें अंदर ले आओ। हमारी रियासत आपकी हमेशा इन तुर्कों को कुचलने के लिए मकरूस होगी जिन्होंने मंगोलों से बगावत को भड़काने की कोशिश की। बेबोला साहब,
मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ अमीर हजरत। सिपाहियों, बाहर जाओ। जो आप चाहते थे मैं वो लाया हूँ अमीरे हजरत। सिपाहियों, इसको बंद करके ले जाओ, इसको यहाँ से हटाओ, इसको हटाओ। गुलदारों का क्या, उसका सर कहाँ है? गुलदारों, उसने अपने भाई और सिपाहियों के साथ पहाड़ों में पनाह ले ली है। हमसे उनके निशानात खो गए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। मैंने जैसे ही सुना मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया है तो मैं रवाना हो गया। तुम्हारे बाबा को किसने कत्ल किया हमें ये मालूम हो गया है। अर्तुगुल और उसका बेटा गुंदूज वही है ना? नहीं, यहाँ आओ बैठो। अर्तुगुल और उसका बेटा मुकदमे में बरी हो गए थे। उन्होंने कहा, कातिल एक बाजंतीनी दरागोस कमांडर था। तो मेरी बहन हिजबिल के खातून का क्या कहना था? शिकायत वापस ले ली, वो भी उस पर जरूर कायल हो गई है। मुकदमा खारिज हो गया बेबोलत साहब, वो मसला ख़त्म हो गया है। लेकिन अब सोगुत में तुम उससे भी बड़े ज़्यादा मसले से दो चार होने वाले हो, और यकीनन तुम्हें अपने बाबा के खून को बिना इंतकाम से नहीं रहने देना चाहिए। मैंने सुना है उन जलीलों का रहनुमा एक तुरक है जो अपने आप को अलबास्ती कहता है। वो एक कातिल है, सबसे बुरा ये है कि वो एक तुरक है। क्या आपने उसे देखा है? क्या आपको मालूम है वो कौन है? सहनाज खातून, मैं जितना जल्दी हो सका देखूंगा, देखते हैं कि क्या हुआ।
ये वक्त है हिम्मत दिखाने का। आप अपने कबीले के पहुंचने से पहले हर किस्म की तैयारी दुरुस्त करें। मायूस को पास ना भटकने दें। मुझसे वादा करें अर्तुगरुल साहब और मुझे अपनी जुबान दें कि आप मेरे शोहरों को बाखैरियत मेरे पास लाएंगे। मेरे भाइयों को ढूंढ कर लाने की मेरी जिम्मेदारी है। सहनाज खातून, मुझ पर भरोसा रखें। आप मेरा आतिशदान और मेरा घर हैं। आप हमारे बच्चों को बाप से और मुझे शौहर से अलग मत करें। वो बच्चे के खोने के दर्द की तकलीफ ना दें। मैं अपने भाइयों को ज़रूर ढूंढूंगा, लेकिन जो बातें हमने यहाँ की किसी को पता बाहर ना चले। हमें कुछ सोच कर कदम उठाना होगा। सैलजान खातून, अर्तुगरुल की बात सही है। पहले हमें साबित कदम रहने की ज़रूरत है ताकि हमारे लोग भी साबित कदम रहें। अगर हम होश खोते हैं तो हमारा अजीम चिनार का दरख्त उलट जाएगा। मंगोलों को खतरों के वजह से हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया अम्मी जान, और अब मंगोलों का शुक्रिया कि हम एक दूसरे से एक बार फिर मिल गए। सहनाज, मंगोलों ने जो किया वो हम उनसे बचकर नहीं जा सकते, और उनके जुल्म सितम का हिसाब उनसे लिया जाएगा। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बहू, परेशान मत हो सहनाज खातून, अर्तुगरुल सब देख लेगा। इसमें क्या है आरिफ साहब? इसमें हमारे सरदारों ने उन्हें छुपने की जगह का पता बताया है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। गुलदारों ने जो मंगोल खोजियों को गिरफ्तार किया उनसे कुछ खुफिया मालूमात हासिल की, और जब उन्हें ये सब पता चल गया तो जब मंगोलों को ये पता चला कि उन खोजियों ने गुलदारों ने पकड़ लिया है, तो उन्होंने काइयों पर हमला कर दिया। हुजूर, क्या उन्हें मालूम हुआ कि उन खोजियों से उन्हें क्या पता चला है? हर एक कारीगर और आलनचा जिसने मंगोलों के खिलाफ बगावत की को मार दिया जाएगा। हुजूर, हमें सफ़ेद दाढ़ी वालों से बात करनी होगी। अपने मामूल के हिसाब से जो मालूमात हमें मिली बताएं, और सिपाहियों से कहें वो मेरे पास आएं। जो आपका हुक्म हुजूर। अलवास्ती, क्या सैनाज खातून और उसका बेटा तुम्हें जानते हैं? नहीं जानते। मैंने अपना फर्ज मुकम्मल किया बगैर किसी को अपनी शनाख्त बताए। वो मुझे सिर्फ अलवास्ती से जानते हैं और इसके आगे उन्हें कुछ मालूम नहीं। आला, जैसे ही तुम स्वागत पहुंचो जान पहचान कर लेना। सहनाज और उसके बेटे का अर्तुगरुल की तरफ आना अच्छा सुगंध नहीं है।